नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मिश्र से और मैं आप लोगों को रशिया के एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके कारण पहले के मुकाबले में आज पर्वतों यानी कि माउंटेन्स में चढ़ना आसान हो गया है। तो दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम है विटाली मिखाइलोविच अब्लाकोव। दोस्तों, विटाली अब्लाकोव एक सोवियत केमिकल इंजीनियर, पर्वतारोही और वह एक आविष्कारक भी थे। दोस्तों, विटाली का जन्म 13 जनवरी 1906 में एनिसेट प्रोविंस रशिया में हुआ था। विटाली का एक भाई भी था जिसका नाम येवगेनी अब्लाकोव था, जिसका जन्म 1907 में हुआ था। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विटाली एक पर्वतारोही थे, तो 1934 में विटाली अपने भाई येवगेनी और 3 और लोगों के साथ 7134 मीटर लेनिन पर्वत में पहली बार चढ़ाई की थी, जो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर में स्थित है। दोस्तों, 1936 में विटाली ने खान तेंगरी पर्वत में चढ़ाई की थी, लेकिन 7010 मीटर ऊंची पर्वत में क्रूर ठंडी और हवा की कमी होने के कारण और संसाधनों की कमी होने के कारण उनके कुछ उंगलियां और पैर के कुछ भाग कट गए थे। तो दोस्तों, 1938 में दोनों भाई विटाली और येवगेनी को सोवियत सीक्रेट पुलिस ने पर्वतारोहण के लिए पश्चिमी तकनीकी लेने और एक जर्मन जासूस होने के शक में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें संदेह के कारण 1940 तक यानी कि 2 साल तक रखा गया था। येवगेनी विटाली का भाई 1948 में एक रहस्यमय तरीके से मर गया जब वह 4439 मीटर ऊंची किर्गिस्तान और चीन की सीमा के विक्ट्री पीक पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, विटाली अब लोगों को व्यवसाय रूप से एक इंजीनियर थे। वे बहुत प्रकार के चढ़ाई उपकरण बनाए, इनमें से बहुत को विटाली बहुत ही हल्की वजन और टाइटेनियम से बनाए थे। उन्होंने अब लोगों को थ्रेड या वी थ्रेड का निर्माण किया था। इसके साथ दोस्तों, उन्होंने स्प्रिंग वाला बहुत प्रकार के केमिंग डिवाइसेस का भी आविष्कार किया था जो आज के पर्वतारोहियों को चढ़ने में मदद करता है। उनकी इन्हीं योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए उसे सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स में भेजा गया, जहां उन्होंने 20 साल तक इंस्टीट्यूट के लेबोरेटरी डायरेक्टर का पद संभाला था और उन्होंने खिलाड़ियों को प्रदर्शन को सुधारने के लिए विशेष उपकरण भी बनाए थे। इन्हीं सभी को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, जैसे कि 1934 में ऑनर मास्टर ऑफ माउंटेनियरिंग, 1957 में ऑनर ट्रेनर ऑफ द USSR, 1957 में ऑर्डर ऑफ लेनिन, 1972 में ऑर्डर ऑफ द बैच ऑफ ऑनर, 1982 में ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप अमंग पीपल आदि। इसलिए दोस्तों, विटाली अब्लाकोव को फादर ऑफ सोवियत माउंटेनियरिंग भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।